फ्रेंड्स, आज आप आपको मैं ले चलती हूँ दिल्ली के मॉल घुमाने। आपको पता है दिल्ली की, वैसे तो हर शहर में ही मॉल बने हुए, पर दिल्ली में जितने सुंदर और खूबसूरत मॉल बने हैं उनका जवाब ही नहीं है। आप देखिए कितनी ज़्यादा, हम यहाँ पे 6 बजे तक पहुँच गए हैं, पर कितना अच्छा लग रहा है, कितनी खूबसूरती है। या हमने फोटो सेशन किया, ये बीच में मेरी भाभी हैं और साइड में मेरी सिस्टर है, मुझे तो आप पहचान ही गए होंगे। तो चलिए, अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल है, लेकिन इस मॉल की ये 3 मॉल आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब आपको एक मॉल से दूसरे मॉल जाने के लिए एंट्रेंस पे दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, आप अंदर से अंदर ही जा सकते हैं। इसमें एक मॉल है DLF प्रोमिनाड और दूसरा एक और है MGF, यानी कि सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल, DLF प्रोमिनाड और MGF, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। बाहर देखिए कितनी ग्रीनरी है, लाइट्स जल रही है, तो कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग यहाँ पे काफ़ी घूमते रहे हैं, साथ में मेरा भतीजा है और भाई वगैरह, हम सभी लोग थे, मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड किया एक तरीके से। तो मुझे लगा मैं आज आपको भी दिखा दूँ कि मॉल में कितना अच्छा लगता है। अब ये मेरा भतीजा जो है आपको एक आध जगह दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हल्का सा, एक्चुअली वो डायरेक्ट कैमरे के सामने नहीं आना चाहता है, बिकॉज वो एक सेलिब्रिटीज़ के फोटोशूट करता है, तो उसको थोड़ा ये पीछे से बैक से आ गया, लेकिन वो अनकम्फर्टेबली, मतलब अनकम्फर्टेबली बर्ड नहीं करना है क्योंकि वेल नोन फेस है, क्योंकि मॉडल्स का और ये फिल्मी सेलिब्रिटीज़ वगैरह का फ़ोटो शूट करने वाले हैं, तो वो डायरेक्ट कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहा है। चलिए अब आपको भी मैं चलिए मॉल ही दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप बताइए आपकी सिटी में भी कैसी तरह के मॉल हैं। ये एक्सीलेटर है और मॉल के बीच में भी ये ग्रीनरी है, तो ये आजकल लगने लगी, तो बहुत अच्छा लगता है लाइट्स वगैरह देख के। ये अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, मेरी दीदी है, मेरी भाभी है, पीछे से आ रही हूँ। अब हम लोग ने वहीं पर डिनर किया है क्योंकि भाभी का हैप्पी बर्थडे भी था आज, तभी हम लोग बाहर सब लोग गए थे। वैसे तो दिल्ली से ही कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो डिनर में हम सब ने अलग अलग चीज़ें मंगाई थी, लेकिन उस आपको पता है क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो मैंने वो नहीं लिया। उसके बाद लास्ट में आइसक्रीम तो बनती ही है, इतनी गर्मी में सबने अपना मनपसंद फ्लेवर मंगाया। हम लोग फिर बहुत देर तक वहाँ पे ऐसे घूमते रहे, टहलते रहे, फिर जब मॉल बंद होने लगा रात के लगभग 10 बजे उसके गेट वगैरह बंद होने शुरू हुए हैं, तब हम लोगों ने घर के लिए प्रस्थान किया है। आप बताइए फ्रेंड्स आपको ये कैसा लगा। अब छुट्टियाँ तो होती ही है ना फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए, फिर हम जल्दी ही मिलेंगे एक बहुत अच्छे से वीडियो में। आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं। बेसिकली मेरा ब्लॉग सेक्शन तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप जैसा चाहेंगे मैं उस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, फिर एक नए टॉपिक के साथ। अब रात के 10 बज चुके हैं मॉल में हमें, तो मैं अब ये यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट माय ऑल डियर फ्रेंड, बाय।